फिनाले से पहले घर में हुआ है बड़ा वाला झगड़ा। जी हाँ, आपको बता दें कि अब घर में सिर्फ टॉप 5 बच चुके हैं, मतलब विकी भैया के एविक्शन के बाद अब घर में सिर्फ 5 लोग रह गए हैं। और घर में 5 लोग हैं लेकिन काम तो सारे ही करने पड़ते हैं ना, भले क्वांटिटी कम हो जाती है लेकिन बाकी के जो काम है वो तो करने ही पड़ते हैं। अब ऐसे में अभिषेक और मुनावर इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है, जो लड़ाई हुई है, उसका पूरा मामला क्या है? तो मामला ये है कि बर्तन कौन धोएगा, अभिषेक धोएगा या मुनावर धोएगा। इस बात को लेकर के अभिषेक और मुनावर में फाइट हुई है कि भाई मैं धोऊंगा, ऐसी वाली फाइट है। अब क्या फिनाले से पहले पहले ये क्या अलग हो जाएंगे क्या, इनकी दोस्तियां खत्म होने वाली हैं क्या? तो ऐसे वाले फाइट में जहाँ पे अभिषेक के ये कहते हुए नजर आ रहा है कि भाई दोस्ती अपनी जगह पे है लेकिन काम अपनी जगह पे है, काम तो करना ही पड़ेगा, दोस्ती है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूँगा नहीं, मैं कहूँगा नहीं, और इस तरीके से फाइट हो रही है। वहीं अरुण कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मुझे सारे काम दे दो, झाड़ू दे दो, पोछा दे दो, क्या ये सारी चीज़ें दे दो, लेकिन बर्तन मत धोने को दो, अपने को बर्तन नहीं धोऊंगा मैं, बाकी सारे काम कर दूंगा। तो अंकिता और मनारा ये दोनों सॉल्व करने में लगी हुई हैं, बाकी मुनावर और अभिषेक ये दोनों लड़ने में लगे हुए हैं कि मैं नहीं। अब देखते हैं कि इनकी दोस्ती क्या बिग बॉस ख़त्म होने से पहले पहले ख़त्म होती है या फिर ये झगड़ा सिर्फ कुछ देर का है जो कि फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा और फिर आपस में सारे बैठ के मस्ती मजाक करते हुए नजर आएंगे। वैसे इनकी दोस्ती है वैसी वाली कि जहाँ पे ये लड़ भी लेते हैं और फिर थोड़ी ही देर बाद जाके साथ में बैठ जाते हैं, और वैसे भी अब घर के अंदर कोई है तो नहीं, तो ये झगड़ा मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा देर तक चलने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत होगा, उसके बाद से फिर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी और दोनों आपस में बात कर लेंगे, और ये जो दोस्ती है इनकी, जो ये प्लानिंग बना रहे हैं कि भाई गोवा चलेंगे, गोवा में चल के मस्ती करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं और आपको बाहर भी मुनावर और अभिषेक की दोस्ती देखने को मिलने वाली है। वैसे लिखिएगा आपको क्या है कहना इस झगड़े के बारे में।